72वां वार्षिक संत निरंकारी समागम 16 नवंबर से शुरू होकर 18 नवंबर तक चलेगा, जिसके चलते समालखा में संत निरंकारी समागम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं और इस समागम में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है, जहां पहुंचकर श्रद्धालु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के विचारों का श्रवण कर अपने जीवन में उनके पवित्र विचारों को जोड़कर चलेंगे। आपको बता दें कि वार्षिक समागम की शुरुआत 1948 में हुई थी। यह समागम बाबा अवतार सिंह जी के बेटे सज्जन सिंह जी की याद में मनाया गया था, जिसमें मानव कल्याण, मनुष्य में प्रेम तत्व का व्याख्यान होता है और यह समागम मनुष्य एकता का प्रतीक है। और यह धरती का रूप बदलता चला जाए, इन्हीं शब्दों के साथ सुदीक्षा माता जी का दिल से अरदास करती है कि सबको इतनी ताकत देना कि सभी ये सारे कार्य सुंदर ढंग से करें और सुंदर ढंग से ये जो सत्य की आवाज़ है दुनिया के कोने कोने में पहुँचाए। वैसे ही समाज बनेगा। आपकी कोई छोटी सी एग्जाम्पल ध्यान में आ रही है कि कहीं एक जगह आग लगी, सब पानी बुझाने में लगे थे इसे आग को बुझाने के लिए। एक छोटी सी चिड़िया भी ऐसा प्रयास कर रही थी, चोंच में पानी भर के उस आग को बुझा रही थी। किसी ने कहा कि चिड़िया तेरे इतने से पानी से आग थोड़ी बुझ जाएगी, तू क्या कर रही है। तो उसने आगे से जवाब दिया कि जब आग बुझाने वालों का नाम आएगा तो उसमें मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं। अर्थ प्रकाश के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।